बच्चों, मैं हूँ टीफो से मयूरी और आपके लिए आज एक और रोचक सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है भारतीय पुराणों से और ये कहानी जुड़ी हुई है आस्था से, विश्वास से। तो चलिए एक ऐसे गांव में चलते हैं जहाँ पर एक प्रखंड पंडित थे। इन्हें अब तक के अपने सफर पर, अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा घमंड था। एक दिन प्रातः जब वो अपनी पूजा में लगे हुए थे, तब नारद जी वहां पर आए। नारद जी ने हालचाल पूछा। पंडित जी ने कहा कि भाई नारद, मैं तो अब अपने आखिरी समय का इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद तो मेरी फिर से इस सृष्टि पे कोई जन्म नहीं होने वाला, मेरे लिए तो मोक्ष प्राप्ति ही होने वाली है, तो मैं बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। नारायण नारायण करते हुए नारद जी वहां से निकले और जाकर मिले एक मछुआरे से। मछुआरे ने बहुत उत्साह से, बहुत प्रेम पूर्वक नारद जी का स्वागत किया और नारद जी से हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि मेरी बस एक ही इच्छा आप पूरी कर दीजिए, मुझे एक बार दर्शन दिला दीजिए भगवान विष्णु का और इस गरीब की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, तो मेरे लिए आगे का जीवन बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। नारद जी ने सोचा ये तो बहुत बड़ी मांग कर दी, ये मांग पूरी करने के लिए बहुत सारे जन तुम्हें लेने पड़ेंगे, भगवान विष्णु ऐसे कैसे प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे सामने। गरीब मछुआरे ने कहा बस मेरी इच्छा है और मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आप ही मुझे भगवान विष्णु से दर्शन करा पाएंगे। पूरा वाक्य पहुंचा भगवान विष्णु के दरबार में। अब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, मैं जो कहूंगा बिल्कुल वही बात नीचे धरती पर फिर से जाना और पंडित जी से और मछुआरे से कहना। जो बात भगवान विष्णु ने कही वो थोड़ी सी नारद को भी अटपटी लगी, लेकिन आदेश था, पूरा तो करना था, इसीलिए नारद जी फिर से पंडित जी के पास आए। पंडित जी ने पूछा, अच्छा भगवान विष्णु से तो मुलाकात हुई होगी, क्या कर रहे थे वो जब तुम वहां पे दरबार में पहुंचे? तो बिल्कुल जैसे भगवान ने कहा था वैसे नारद जी ने कहा, अरे भगवान जो है ना, एक सुई में से उसकी आंख में से हाथी निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो पंडित ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी सी सुई, इतनी सी उसकी आंख और उसमें से इतना बड़ा हाथी निकाल रहे थे भगवान, मैं नहीं मानता। नारायण नारायण करते हुए नारद जी आगे चले और मछुआरे के पास पहुंचे। अब मछुआरे को भी उन्होंने बिल्कुल वही कहानी सुनाई कि पता है जब मैं तुम्हारी विनती लेकर भगवान के पास पहुंचा तो भगवान को मैंने देखा कि वो एक सुई में से उसकी आंख में से हाथी निकाल रहे थे। अब ये जो मछुआरा था वो बिल्कुल इस तरीके से हैरान होते हुए नारद जी की कहानी सुन रहा था और उसने कहा, अच्छा भगवान सुई की आंख में से हाथी निकाल रहे थे और यही तो भगवान की लीला है, ये तो भगवान का जादू है और भगवान ही है जो ये सब कर सकते हैं। अब नारद भी हैरान रहेगा और नारद ने भी आश्चर्य से इस मछुआरे से पूछा, तुम्हें यकीन है इस बात पर, तुम यकीन करते हो कि भगवान जो है सुई की आंख में से हाथी निकाल रहे थे? मछुआरे ने बहुत ही सुलझा हुआ जवाब दिया। मछुआरे ने कहा, इतना सा बीज, इतने से बीज में से जब भगवान इतना बड़ा विशाल सा पेड़ खड़ा कर सकते हैं, तो इतनी बड़ी सृष्टि पैदा कर सकते हैं, तो इतनी सी सुई की आंख में से हाथी निकालना उनके लिए कौन सा बड़ा काम हो सकता है? ये होती है आस्था, ये होता है आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना, और शायद यही टटोलने की कोशिश में थे भगवान विष्णु। अब नारद जी समझ गए कि विष्णु भगवान ने ये एक बात दोनों से क्यों कहने को कही। आप भी अगर किसी पर इसी तरीके का विश्वास करते हैं तो हो सकता है भगवान खुद वहां पर अवतरित हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस मछुआरे के सामने भगवान विष्णु आकर उसे दर्शन देने लग गए। ऐसी बहुत सारी कहानियां आपके लिए लेकर आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।